सनसनी ऑफ इंडिया। क्राइम ब्रांच एंटी रोबरी एंड स्नैचिंग सेल शकरपुर की टीम ने गाड़ी चोरी के एक ऐसे बहुत बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है जो केवल और केवल बाइक ही चुराते थे, लेकिन चोरी की बाइक बेचने का रिस्क न लेकर एक एक पार्ट को अलग करके बेचा करते थे। क्राइम ब्रांच ने बाइक चोरी की बाइक खरीदने और ठिकाने लगाने वाले 6 शातिर बदमाशों को दबोचने में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह गैंग अभी तक 1000 से ज्यादा बाइक चुराकर ठिकाने लगा चुका है। आरोपियों की पहचान 22 वर्षीय अजीम, 32 वर्षीय जावेद, 40 वर्षीय फुरकान, 34 वर्षीय हरिओम, 28 वर्षीय शाहिद अहमद व 30 वर्षीय नदीम के रूप में हुई है। आनंद विहार इलाके में चस्का रेस्टोरेंट ए ब्लॉक सूरजमल विहार मार्केट के पास से अचानक हर रोज बाइक चोरी होने लगी। यह जगह वाहन चोरी के हॉटस्पॉट के रूप में सामने आई। क्राइम ब्रांच डीसीपी रोहित मीणा ने गाड़ी चोरों का पर्दाफाश कर आरोपियों को दबोचने के लिए अरविंद कुमार एसीपी क्राइम ब्रांच एंटी रोबरी एंड स्नैचिंग सेल शकरपुर की सुपरविजन व इंस्पेक्टर अरुण सिंधु के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। इंस्पेक्टर अरुण सिंधु की टीम ने लीड पर काम करना शुरू किया तो मामले की परतें खुलनी शुरू हुई तो गाड़ी चोरी के एक बहुत बड़े सिंडिकेट का भांडा फूट गया। क्राइम ब्रांच टीम ने सबसे पहले चस्का रेस्टोरेंट ए ब्लॉक सूरजमल विहार मार्केट के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला। आसपास की दुकानों के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने से पुलिस टीम को कुछ सुराग मिले। फुटेज के जरिए दो संदिग्ध की पहचान की गई। क्राइम ब्रांच टीम ने दोनों सस्पेक्टों को दबोचने के लिए दिल्ली NCR में मुखबिरों का जाल बिछा दिया। क्राइम ब्रांच टीम जांच कर ही रही थी कि 19 मई को ASI सुभाष चंद को मुखबिरों से इन्फॉर्मेशन मिली कि दो वाहन चोर मोटरसाइकिल चोरी करने सूरजमल विहार मार्केट ए ब्लॉक में आएंगे। इन्फॉर्मेशन मिलते ही इंस्पेक्टर अरुण सिंधु ने ASI रविंदर, ASI चंद्र प्रकाश, सुभाष चंद, रविंदर भाटी, मनोज कुमार, प्रमोद कुमार, हेड कांस्टेबल शशिकांत, गौरव त्यागी, जितेंद्र, नरेंद्र, अनुज कुमार व स्थानीय पुलिस को सादी वर्दी में अलग अलग टीम बनाकर चस्का रेस्टोरेंट के आसपास तैनात कर दिया। सादी वर्दी में तैनात ASI सुभाष चंद व हेड कांस्टेबल सोनू कुमार की टीम को रात करीब 8:30 बजे ए ब्लॉक सूरजमल विहार मार्केट के चस्का रेस्टोरेंट के पास एक संदिग्ध व्यक्ति घूमता नजर आया। संदिग्ध को रोककर जब उससे पूछताछ की गई तब उसकी पहचान अजीम के रूप में हुई। वो वाहन चोर निकला। पूछताछ के दौरान उसने बाइक चोरी करने के लिए वहां आने की बात स्वीकारी। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपने एक साथी जावेद के साथ एक साल के दौरान 100 से अधिक वाहन चोरी करने की बात कही। अजीम से पूछताछ के बाद पुलिस टीम ने उसके सहयोगी जावेद को चैहान बांगर सीलमपुर से उसके किराए के घर से गिरफ्तार कर लिया। जावेद पेशे से बाइक मैकेनिक निकला। वह 4 आपराधिक मामलों में संलिप्त पाया गया। दोनों चोरों की गिरफ्तारी के बाद परतें खुलनी शुरू हुई तो गाड़ी चोरी के एक बहुत बड़े सिंडिकेट का भांडा फूट गया। दोनों वाहन चोर जावेद और अजीम से कड़ी पूछताछ के बाद चोरी की बाइक खरीदने वाले फुरकान को DDA टायर मार्केट गोकुलपुरी स्थित उसकी स्पेयर पार्ट्स की दुकान से गिरफ्तार कर लिया गया। फुरकान की DDA टायर मार्केट गोकुलपुरी मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स की 8 दुकानें हैं। सभी दुकानों की तलाशी लेने पर उक्त दुकानों से 100 से अधिक बाइक के इंजन और इंजन ब्लॉक इंजन नंबरों को मिटाने व बदलने के उपकरण पाए गए। साथ ही बड़ी संख्या में बाइक के कल पुर्जे टायर टैंक व अन्य सामान बरामद किए गए। चोरी की बाइक के पार्ट बरामद होने पर उक्त दुकानों को सील कर दिया गया है। फुरकान से पूछताछ के बाद 3 स्क्रैप डीलरों शाहिद हरिओम व नदीम को उनकी दुकानों से गिरफ्तार कर लिया गया। शाहिद और हरिओम की जी ब्लॉक वेलकम में कबाड़ की दुकान है। नदीम की गोकुलपुरी में कबाड़ की दुकान है। इनकी दुकानों की तलाशी पर भी इंजन इंजन ब्लॉक और अन्य पुराने कल पुर्जे बरामद किए गए। दोनों वाहन चोर जावेद और अजीम ने पूछताछ में बताया मार्केट में बाइक से आने वाले लोगों को वो टारगेट करते थे। उनमें से एक चोर मालिक पर नजर रखता था जबकि दूसरा चोरी करता था। कड़ी पूछताछ के दौरान यह पता चला कि इनका नेटवर्क गुप्त तरीके से काम कर रहा था जिसमें चोर बिचौलियों के संपर्क में थे और बिचौलियों कबाड़ियों के संपर्क में था। यह सभी लोग सालों से गुपचुप तरीके से काम कर रहे थे लेकिन एक ही जगह से बार बार बाइक चोरी करने की वजह से पुलिस की नजर में आ गए। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि आजीम और जावेद अब तक 1000 से ज्यादा बाइक चोरी कर चुके हैं। आजीम और जावेद चोरी की बाइक को 1500 से 2000 रुपए में बिचौलिए फुरकान को बेचते थे। फुरकान इनको काटकर कबाड़ियों को 3500 से 4000 रुपए में देता था। कबाड़ी बाइक के अलग अलग पार्ट बेचकर 10 से 15 हजार रुपए कमाते थे। पहला आरोपी 22 वर्षीय अजीम पुत्र आरिफ निवासी ओल्ड मुस्तफाबाद दिल्ली का रहने वाला है। इसका जन्म वर्ष 2000 में पैतृक गांव चंदौसी यूपी में हुआ था। यह साल 2016 में अपने माता पिता के साथ दिल्ली आया था।
इसने 9वीं तक पढ़ाई की। जल्दी पैसा कमाने के लिए अजीम ने मोटरसाइकिल चोरी करना शुरू कर दिया। इसके खिलाफ पहले से ही थाना इंद्रप्रस्थ एस्टेट में एक मामला दर्ज है। दूसरा आरोपी 32 वर्षीय जावेद पुत्र जमालुद्दीन निवासी खसरा नंबर 148 गली नंबर 2 कल्याण सिनेमा के पास चैहान बांगर सीलमपुर दिल्ली का रहने वाला है। इसका जन्म और पालन पोषण दिल्ली के जाफराबाद में हुआ था। इसने 10वीं तक पढ़ाई की। इसने करीब 2 साल पहले अपनी मोटरसाइकिल मरम्मत की दुकान खोली थी। कोरोना के कारण उनकी दुकान 1 साल से बंद थी। यह आदतन ऑटो लिफ्टर है। इसके खिलाफ पहले से ही थाना ज्योति नगर चांदनी महल व भजनपुरा में चोरी के मामले दर्ज हैं। तीसरा आरोपी 40 वर्षीय फुरकान पुत्र मुर्तुज निवासी विजय पाक मौजपुर दिल्ली का रहने वाला है। इसका जन्म और पालन पोषण दिल्ली के दरियागंज इलाके में हुआ है। पहले वो कबाड़ी था और घर घर जाकर कबाड़ खरीदता था। वर्ष 2010 में इसने डीडीए टायर मार्केट गोकुलपुरी दिल्ली में अपनी पहली स्पेयर पार्ट्स की दुकान शुरू की और पुराने मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स की खरीद फरोख्त शुरू की। फुरकान की सभी दुकानें चोरी की मोटरसाइकिलों के टूटे फूटे सामानों से भरी पड़ी हैं। तलाशी लेने पर इसके पास से 142 मोटरसाइकिल इंजन और इंजन ब्लॉक इंजन नंबर से छेड़छाड़ करने वाले उपकरण व पीसने की मशीन बरामद हुई है। चौथा आरोपी 34 वर्षीय हरिओम गुप्ता पुत्र सुशील गुप्ता निवासी मजदूर जनता कॉलोनी वेलकम दिल्ली का रहने वाला है। इसका जन्म और पालन पोषण दिल्ली की ज्योति कॉलोनी में हुआ था। इसने 12वीं तक पढ़ाई की। पहले यह भी कबाड़ी था और घर घर जाकर कबाड़ खरीदता था। अब यह वेलकम दिल्ली में स्क्रैप डीलर है। उसने कबूल किया कि उसने चोरी के वाहन खरीदे हैं। इसके पास से 20 मोटरसाइकिल इंजन बरामद हुए हैं। पांचवा आरोपी 28 वर्षीय शाहिद अहमद पुत्र सईद अहमद निवासी जनता कॉलोनी वेलकम नई दिल्ली का रहने वाला है। इसका जन्म और पालन पोषण दिल्ली के बाबरपुर में हुआ है। इससे पहले यह टेलीकॉम टावर कंपनी में मैकेनिक के पद पर कार्यरत थे। वर्ष 2017 में इसने पुराने वाहन स्क्रैप खरीदने का अपना नया व्यवसाय शुरू किया। कबाड़ खरीदने की आड़ में इसने चोरी के वाहनों के पुर्जे खरीदने व बेचने शुरू कर दिए। इसके पास से 20 मोटरसाइकिल इंजन व पीसने की मशीन बरामद हुई है। छठा आरोपी 30 वर्षीय नदीम पुत्र नजमुद्दीन निवासी नया मुस्तफाबाद दिल्ली का रहने वाला व रघुपुरा गौतम बुद्ध नगर यूपी का मूल निवासी है। इसका जन्म और पालन पोषण न्यू मुस्तफाबाद दिल्ली में हुआ है। इसने मुस्तफाबाद के सरकारी स्कूल से 8वीं तक पढ़ाई की। यह एक स्क्रैप डीलर है। इसका मुस्तफाबाद में कबाड़ का गोदाम है। यह पहले चोरी की रेलवे संपत्ति खरीदने के आरोप में गिरफ्तार भी हो चुका है। इसके पास से 25 मोटरसाइकिल इंजन 7 मोटरसाइकिल चेसिस व इंजन नंबर को टेम्पिंग करने वाले टूल्स बरामद हुए हैं। इनकी गिरफ्तारी से पुलिस ने वाहन चोरी के 67 मामले सुलझाने का दावा किया है। काफी समय बाद पुलिस ने एक बड़े वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारी जो ARSC की टीम ने बेसिकली बहुत अच्छा काम किया है और 207 से ज़्यादा इंजनों को रिकवर किया है जो कि चोरी शुदा गाड़ियों के इंजन थे मोटरसाइकिल्स के। तो बेसिकली ARSC की टीम कंटिन्यूसली ये मोटर व्हीकल थेफ्ट पे काम कर रही थी। तो ये देख रहे थे कि सूरजमल विहार में पर्टिकुलर जगह पे इनको हॉटस्पॉट मिला। वहाँ पे उन्होंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा चोरी हो रही है। जब उन्होंने वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की तो उससे रिलेटेड और भी जगह पे ऐसी नज़र आया कि कुछ गैंग है कि जो दूसरी जगह पे भी सिमिलर मोडस ऑपरेंडी से ऑपरेट कर रहा है। एक्सटेंसिव CCTV फुटेजेस कलेक्ट की गई, टेक्निकल एनालिसिस की गई। तो हमने ज़ीरो इन किया एक अजीम और जावेद नाम के दो शख्सों पे। हमने ज़ीरो इन किया, इनको हमने आइडेंटिफाई किया और जब हमने अपनी इंफॉर्मेशन पे रेड करी तो इनको जब हमने इंट्रोगेट किया तो हमें पता चला कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा पिछले 4-5 महीनों में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मोटरसाइकिल चोरी की है। हम इसके बाद हमने एनालिसिस में हमने काफ़ी जो रिसीवर्स थे उन पे हमने इनके इंट्रोगेशन में हमने फुरकान नाम के रिसीवर को पकड़ा जो इनकी गोकुलपुरी में शॉप है स्पेयर पार्ट्स की। इनकी जो 7-8 शॉप्स हैं इनको अंदेशा हो गया था। इन्होंने अपनी तहखाने में छुपा दी थी स्टोलन इंजन को। और जब हमने किया तो
फुरकान को इंट्रोगेट किया, हमने इनसे इंजन रिकवर करी, 125 इंजन इनके यहाँ से रिकवर करे। तो पता चला इसी तरीके से और भी लोग हैं जो इस तरह के स्टोलन इंजन रिकवर कर रहे हैं और उनको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, एज़ जो नॉर्मल ग्राहकों को भी वो ऐसे स्टोलन इंजन बेच रहे हैं। इसके तहत हमने 2 और मुकदमे दर्ज किए, हमने 3 और रिसीवर्स इसमें हमने अरेस्ट किए। फिर हमने इसमें हरिओम, शाहिद और नदीम करके रिसीवर्स हैं, इनको भी अरेस्ट किया। इनसे भी हमने स्टोलन इंजन्स को रिकवर किया। इनका इंजन्स को डिस्पोज ऑफ करने का तरीका ये था कि ये मोटरसाइकिल चोरी होने के बाद एक मिडिल मैन इनको जो हमारे रिसीवर्स को मोटरसाइकिल मुहैया कराते थे और उसके बाद इसको वो ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा उसको ग्राइंड करके उस पर नए नंबर्स पंच करके और ग्राहकों को भेजते थे। साथ ही साथ वो जो एग्जिस्टिंग नंबर्स हैं उनको भी वो नंबर को पंच करके डिफरेंट नंबर्स को कन्वर्ट कर लेते थे, उसके तहत भी ये जो अपने इंजन्स को डिस्पोज ऑफ करते थे। ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम हो रहा था। इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि एक आदमी को दूसरे आदमी का पता नहीं था, जो थीफ था थीफ को जिस सिर्फ एक मिडिल मैन का पता था, मिडिल मैन को रिसीवर का पता था और सारा ट्रांजेक्शन कैश में हो रहा था। तो ये आपस में भी एक दूसरे को नहीं जानते थे, सिर्फ एक लिंक ही एक लिंक को जानती थी। काफ़ी रिकवरी काफ़ी ज़्यादा हुई है, हमने 67 केसेस वर्कआउट किए हैं। साथ ही साथ हमने, क्योंकि ये काफ़ी मैसिव लेवल पे फॉर्जरी कर रहे थे, तो फॉर्जरी में भी हमने इसमें 2 मुकदमे और हमने फॉर्जरी किए हैं और डिटेल्ड एनालिसिस हम इसमें अभी कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारी शॉप्स में ये काम अवैध रूप से हो रहा है। हमने करीब 11 दुकानों को सील कर दिया है। अभी हमारी जो है इन्वेस्टिगेशन में आया है कि ये कम से कम 6 महीने से हमने इनकी इन्वॉल्वमेंट हमें काफ़ी शामिल मिली है और इसलिए हमारे जो केसेस हैं ना सिर्फ दिल्ली के केसेस हैं, यूपी के भी केसेस हैं। तो ये गिरोह वहाँ पे भी डिस्पोज ऑफ कर रहे थे, यहाँ पे भी कर रहे थे, काफ़ी अच्छे लेवल पे काम कर रहे थे। मिडिल मैन इसमें जैसे जावेद है, अजीम एक 22 साल का लड़का है, जावेद 32 साल का है। जावेद सिर्फ मतलब ये मैकेनिक का काम करता है, साथ के साथ ये जो रिसीवर्स होते हैं, जो कबाड़ी वाले हैं, उनसे भी टच में रहते हैं। ये आगे इसने बताया नहीं कि इसको, कि ये इसने अजीम को भी नहीं बताया कि ये आगे किसको सप्लाई करना है। तो इस तरीके से ये अपनी कड़ी सिक्योर रखते थे और इसी तरीके से वो रखते थे कि इंफॉर्मेशन ये फर्दर डिस्क्लोज हो। चोरी अजीम करता था, जावेद भी साथ में कभी कभी। हाँ, इसमें अजीम के पास इससे एक केस रजिस्टर्ड है 2021 का, इसको स्नैचिंग का। जावेद पे 4 केसेस रजिस्टर्ड हैं, इसमें से 3 स्नैचिंग के और एक चोरी का है, और नदीम पे भी एक केस रजिस्टर्ड है। इन्होंने ये बताया कि इनको पैसे ठीक ठाक मिल रहे थे और स्नैचिंग और ये चोरी दोनों ही कर रहे थे, अब ये ऑटो लिफ्टिंग में आ गए थे, इसलिए ज़्यादा काम। इसमें जो पहले लेवल पे जो चोर है उसको करीब 2,000 रुपये मिलते थे एक बाइक के, और जो मिडिल मैन है उसको करीब 3,500 से 4,000 रुपये। कबाड़ी का प्रॉफिट इसमें 15 से 20,000 रुपये का होता था। इस केस में आगे भी काफ़ी तफ्तीश अभी कर रही है हमारी टीम और भी हमने कई लोग आइडेंटिफाई कर लिए। खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं
रंजिश और जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।